मिला कुछ? नहीं मिले ना मेरे पति आपको? नहीं मिले सुषमा जी, लेकिन आपके पति कहीं और भी नहीं मिल रहे? क्योंकि आप लोग ढूंढ ही नहीं रहे हो। आप लोग सिर्फ एक काम कर रहे हो, मुझ पर शक। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और उस दिन मेरे पति कहीं गए नहीं। मेरे पति है वो, प्यार करती हूँ मैं उनसे। अगर आप लोगों के मन में हर्ष ने मेरे लिए कोई शक डाला है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर्ष का ही हाथ है अनुराग के गायब होने में। आखिर अनुराग ने मुझे क्यों कहा कि मैं उसे डील के बारे में कुछ ना बताऊं? आप लोग हर्ष से पूछताछ कीजिए, वो जरूर कुछ छुपा रहा है। सर नादीबाली बोलो। सर हर्षवर्धन पे किसी ने गोली मारी। क्या, किसने गोली मार दी हर्षवर्धन को? ठीक तो है वो? हर्ष, हर्ष क्या हुआ? हर्ष, हर्ष आंखें खोलो। हर्ष, हर्ष ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहीं रुको, हिलना मत। चले गए वो, कौन थे वो लोग? हर्षवर्धन बिल्कुल ठीक है सर, कार के पीछे छुप गया था, 6 बुलेट शेल्स मिली है, इरादा तो मार डालने का ही था। अब हर्षवर्धन को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर गोली चलाई जा रही, जाहिर सी बात अब उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही। सुषमा जी, ना तो आप मोबाइल से कोई कॉल कर रही हैं और ना ही लैंडलाइन से, बहुत एहतियात बरत रही हैं, कोई रिस्क नहीं ले रही। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप हमारे रडार से बच निकलेंगे। हम पहले से जानते थे आप हेमंत यादव को नहीं पहचानेंगे, और आपने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन हेमंत यादव वो आपको पहचान लेगा। मैंने उन्हें नहीं देखा, बस इतना याद है कि वो बाइक पर थे और मैं मौका पाते ही अपनी गाड़ी के पीछे छुप गया। मालती जी, क्या आपने उन्हें देखा? नहीं, मैंने जैसी गोलियों की आवाज सुनी मैं दौड़ती दौड़ती बाहर आई, यहाँ आकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैम मुझे ऐसा लगता है इन सब में हेमंत यादव ही इन्वॉल्व, मुझे उसी पर शक है, उसी ने गोलियां चलवाई होंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग की किडनैपिंग का सारा खेल एक नाटक है। हमें भी डाउट है इस बात। क्या तुम्हें लगता है कि अनुराग और हेमंत मिले हुए हो सकते हैं? क्या अनुराग को तुम्हारी बहन सुनीता के बारे में सब कुछ मालूम था? बिल्कुल, अनुराग को पता था कि हेमंत ने सुनीता के साथ क्या किया, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अनुराग हेमंत जैसे घटिया इंसान के साथ मिलकर ऐसा कुछ प्लान भी कर सकता। ऐसा लग रहा था मानो अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग शायद किसी और जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश थी। हेमंत यादव जो हर्षवर्धन का ड्राइवर था और हर्षवर्धन की बहन सुनीता के साथ भागा था, उसी हेमंत यादव ने सुनीता का मर्डर भी कर दिया था, और अब हेमंत यादव का केस अनुराग की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन वो कड़ी थी क्या जो इन दोनों केसेस को जोड़ रही थी? साहब इंदौर में मैंने अपने लोगों से जम के फील्डिंग करवाई, तो ये हेमंत यादव वहां मिला। साहब वहां टिक के बैठा हुआ है, गाइड का काम करता है और गाड़ी भी चलाता है। शैलेश फटाफट निकलो और उठाओ इसे मंत, देखते हैं इसका क्या कनेक्शन निकलता है। सर नेपाली तुम सुषमा को ट्रैक करो, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अनुराग ने खुद अपनी किडनैपिंग प्लान की या सबके पीछे सुषमा का दिमाग। और हाँ, आर के नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जगदीश सेठी से मिलो, हर्षवर्धन की बहन सुनीता राणा के मर्डर केस की सारी डिटेल्स निकलो। जी सर। साहब इस निधि वैद्य के पीछे भी मैंने अपने लोग लगा रखे हैं, अगर ये पूरी किडनैपिंग का खेल खुद अनुराग का रचाया हुआ है तो इसमें जरूर इस निधि का भी कुछ लेना देना हो सकता है। सर किशन सबसे जरूरी बात, तुम उस औरत को ढूंढ निकालो जिसने तुम्हें इस किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन दी थी। एक बार ये औरत मिल गई ना तो बाकी की कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। अच्छा बताइए इन्फॉर्मेशन क्या है? किडनैपिंग हुई है, प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल की। अब ये औरत ही इस खेल के असली खिलाड़ियों का खुलासा करेगी। हर्ष कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग ने हेमंत के साथ मिलकर आप पे अटैक करवाया हो? नहीं मालती, मैं नहीं मानता कि अनुराग ऐसा कुछ कर सकता है, बल्कि मैं तो अनुराग के लिए डरा हुआ, ऐसा लगता है उसे फंसाया जा रहा है। और अनुराग हेमंत जैसे इंसान के झांसे में आएगा या उसकी मदद लेगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता मालती। ये हर्षवर्धन मुझे उसकी बहन के केस में सजा दिलवाकर ही सांस लेगा, अगर वही रास्ते से हट जाए तो ही मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, और अगर मेरे रास्ते से हट गया तो फिर आपका रास्ता भी साफ है। और ये किडनैपिंग का नाटक कब तक करना पड़ेगा? जब तक हर्षवर्धन राणा हमारी जिंदगी से चला नहीं जाता, या फिर तब तक जब तक सबको यकीन ना हो जाए कि इस किडनैपिंग के पीछे वही मास्टरमाइंड है।
हेमंत जाधव जी चल अरे तेरा असली चेहरा देखते हैं कौन आप लोग पुलिस चल हो हर्षवर्धन राणा ने उल्टा तीर मुझ पे चला दिया और आप लोग उसकी बातों में भी आ गए लेकिन एक साथ बता दूं मैं अभी बेल पे बाहर हूं हाँ लेकिन इस बार बेल की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम तेरी अरेस्टिंग दिखाएंगे ही नहीं ओ हो एनकाउंटर की धमकी लेकिन साहब ये तो बता दो मेरा जुर्म क्या है वो तो तू खुद बताएगा ना हेमंत कि तेरा जुर्म क्या है तूने किया क्या है बहुत ही ठीठ और चालाक आदमी है हेमंत जाधव इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा और मारपीट का भी इस पर कोई असर नहीं बहुत ही मोटी चमड़ी का पता नहीं इसने उस लड़की सुनीता को क्यों मारा हमने हेमंत को उज्जैन से अरेस्ट किया था जहाँ ये सुनीता को लेकर भाग गया था और वहीं उसका मर्डर कर दिया लेकिन जगदीश सर इसका ट्रायल रुका क्यों है एक तो हमारे पास कुछ खास सबूत नहीं था उसके खिलाफ ऊपर से हेमंत बहुत ही ठीठ आदमी है हम उससे कुछ भी नहीं बुलवा पाए आखिर तक उसने एक ही बात की रट लगा रखी थी कि उसने सुनीता को नहीं मारा क्या साहब थक गए क्या ओ साहब सुनीता को मैंने नहीं मारा आप चाहे जितनी भी कोशिश है वो कर लो सब जगह मैं यही बोलूंगा कि सुनीता का मर्डर मैंने नहीं किया करते रहना साबित कोर्ट में अनुराग खंडेलवाल कहाँ है अनुराग खंडेलवाल ये वो हर्षवर्धन राणा का पार्टनर नहीं सर मुझे नहीं मालूम सुन बे अहमान ये आर के नगर थाने का लॉकअप नहीं है यहाँ प्यार से पूछताछ की जाएगी हमारे यहाँ एक उस्ताद है बालू उस्ताद मालिश वाला पहले फांसी देता था बिना अनुराग की बॉडी मिली मुझे सूली पे चढ़ा दोगे क्या अनुराग खंडेलवाल कहाँ है जेब में मेरी निकाल के दू हमने सुनीता की बॉडी उज्जैन के पास एक जंगल से बरामद की बॉडी बहुत बुरी तरह जली इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल था लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये बॉडी सुनीता राणा की नहीं थी सुनीता के भाई ने जो भी डिटेल्स दिए थे वो सारे विक्टिम के बॉडी से मैच हो रहे थे लेकिन सर इस केस में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ क्योंकि बॉडी इस कदर जली हुई थी कि हम कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि बॉडी सुनीता राणा की थी इसलिए हेमंत को बेल मिल गई पर ऐसा क्यों डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था क्या उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सुनीता हर्षवर्धन की सगी बहन नहीं थी हर्षवर्धन के पिता ने सुनीता को गोद लिया था और सुनीता के बायोलॉजिकल माता पिता का भी कहीं किसी को कुछ पता नहीं सुनीता सिर्फ मेरी बहन नहीं थी बच्ची की तरह पाला था उसे इस वक्त हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हेमंत जानता था सुनीता को गोद लिया गया था मुझे नहीं लगता सर कि खुद सुनीता इस बारे में नहीं जानती थी तो हेमंत को कैसे पता होगा हेमंत का इस बात को न जानना हमारे केस को और कमजोर कर देगा हर्ष सर मुझे कुछ नहीं मालूम इस हेमंत यादव को फांसी की सजा होनी चाहिए इसने मेरी बहन को मार डाला है सर उसने सुनीता का ब्रेन वॉश किया उसे बहकाया और मार डाला तो सुनीता बहुत ही मासूम थी उसे दुनिया के दांव पेच नहीं पता था लेकिन ये हेमंत यादव बहुत शातिर है ये आपको भी घुमा रहा है सर आप एक काम करो सर ये सारा मैटर मुझे अच्छे से समझाओ एक एक करके सारे पॉइंट मेरे सामने रखो फिर मैं सोचता हूँ क्या हुआ होगा कैसे हुआ होगा बीवी होगी नहीं होगी होगी तो किसकी होगी सब निधि वैद्य अनुराग का एक पुराना रिश्ता जो अब तक जारी था अच्छा निधि वैद्य और कोई हेमंत यादव तो बहुत ज्यादा उछल रहा है खुद को बहुत शातिर समझता है क्या क्या साहब आप भी आप मुझे थोड़ा टाइम दो ना मैं रात भर दिमाग लगाता हूँ सबका सब आपको कल पता चल जाएगा आप चार्जशीट बना दो केस फाइल कर दो नेक्स्ट केस में लग जाओ बस हम लोग मिलते हैं कोर्ट में ठीक है बाय बैठ बहुत सुनी तेरी बकवास अनुराग खंडेलवाल कहाँ है मार दिया उसको साहब उसी दिन उसी जगह क्या हो रहा है सर हाँ चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल हिलोगे तो ठोकोगे कहाँ मारा वहीं चंद्रपुर में यहाँ तूने अनुराग को बुलाया था वाह साहब आपको तो सब कुछ पता है ए हेमंत जाधव ज्यादा बकवास करेगा ना तो तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं समझा बोल 6 महीने रिमांड में था सर मैं 6 महीने मतलब समझते हो कितना 180 दिन आप ही जैसे वर्दी वाले वहां पे घूमते थे क्या नाम है उनका जगदीश सेठी कुत्ते की तरह मारते थे सर रोज रात को फिर भी आपके सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं तो ये धमकी है ना किसी और को देना मुझे नहीं साहब
ये 1.5 साल में कोर्ट के चक्कर लगा है। मेरे पे जितनी भी धाराएं थी ना, सब मुझे मालूम है। और एक चीज मैं भी जानता हूं कि अगर बॉडी नहीं तो केस नहीं। चल मान लिया तो बहुत स्मार्ट। थैंक यू सर, वो तो मैं हूं। अब ये बता कि अनुराग की बॉडी के साथ क्या किया? तो बहुत धाराएं जानता है, तो ये भी जानता होगा। तो यहां जो भी बोलेगा कोर्ट में मान्य नहीं होगा। बोल बिंदा। आप लोग इतने प्यार से बात कर रहे हो ना, तो मुझे भी बताने का मन करता है। एक कप चाय मिलेगी? नहीं वो सर, चाय के फ्लो में बोलने का अलग मजा है। तो साहब, पहले मैंने उसको मारा, फिर उसको काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके मैंने। जितनी उसकी उम्र थी ना, उतने टुकड़े किए। काट दिया उसको सर। फिर मारा क्यों? मकसद क्या था? हर्षवर्धन को फंसाने का, उसे और तकलीफ पहुंचाने का, या तुम्हारी अनुराग के साथ भी पर्सनल दुश्मनी थी? या फिर अनुराग के साथ मिलकर हर्षवर्धन को फंसाने का प्लान था, लेकिन ऐन मौके पर अनुराग को ही मार दिया तूने। साहब एक बात बोलूं, आप लोग इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते? ये मैं हूं। सेम मेरी स्टाइल के चश्मे, मेरी स्टाइल की कैप, मुझे भी एकदम मेरी तरह। अच्छा आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? ये हर्षवर्धन राणा भोका होगा आप, और अनुराग की पत्नी सुषमा, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये कौन है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं साहब, ये अनुराग खंडेलवाल, ये आपको मिलने नहीं वाला कभी। 100% कहता हूँ तजुर्बे के साथ। और ये भी कहता हूँ कि भोपाल के किसी भी CCTV कैमरा में मैं नहीं मिलूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 19 अगस्त को हुआ था, और 19 अगस्त को मैं कहाँ था? इंदौर में। आप चाहे तो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते, या फिर मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे बॉस से पूछ सकते। क्या अगर तुझे इतना तजुर्बा है तो ये बताओ कि अनुराग खंडेलवाल को किडनैप किसने किया, और अगर वो मारा गया किसने मारा होगा? हर्षवर्धन राणा ने मारा है साहब, अनुराग की पत्नी सुषमा खंडेलवाल के साथ मिल। अच्छा, हर्षवर्धन ने तुझे पिक्चर में पहचाना, तुझे सामने लेकर आया, अभी तू हमें रिवर्स में पिक्चर दिखा रहा है, उल्टा उसके ऊपर गेम घुमा रहा है। आपने जो पहले बोला ना साहब, वही सही था। मुझे इस पिक्चर में लाया गया है। लाया कौन? हर्षवर्धन राणा। क्यों लाया? कभी सोचा है इसके बारे में? 4 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। ये अनुराग खंडेलवाल, उसकी पत्नी सुषमा खंडेलवाल, हर्षवर्धन राणा, और वो चौथी कौन थी? निधि वैद्य। उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसको मुझे जानना भी नहीं। किसी की बंदूक मेरे कंधे पे रख के चलाई जा रही है साहब, अब थोड़ा सोचिए। इस हेमंत यादव को तोड़ के कोई फायदा नहीं, फालतू में दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। बगते बगते इसने इस केस को ऐसे घुमा दिया और हमें वापस लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहाँ से हम चले थे, सुषमा खंडेलवाल। और ये हर्षवर्धन राणा खुद बड़ी शातिर है सुषमा खंडेलवाल। हर्षवर्धन का कोई कनेक्शन मिला? हर्षवर्धन और सुषमा के बीच में कुछ चल रहा था? नहीं सर, लेकिन सुषमा खंडेलवाल और किसी रवि पाठक के बीच शायद कुछ चल रहा था। दोनों के बीच सारा कम्युनिकेशन चैट मैसेजेस के थ्रू हो रहे थे, कभी कोई कॉल या SMS नहीं। लेकिन 19 अगस्त के बाद से चैट मैसेजेस भी बंद है। शायद भाग गई होंगी। ये शिकंजा इस पर भी कसा जा सकता है। हो सकता है हेमंत यादव सही कह रहा। ओ कांस्टेबल भाई साहब, लंच टाइम हो गया यार, कुछ खाना वाना मंगवा दो। ले लो ऑर्डर, ले लो मेरा। ये सुषमा खंडेलवाल, हर्षवर्धन, और ये तीसरा नाम क्या बताया? रवि पाठक। रवि पाठक, ये सब मिलकर हमारे साथ खेल खेल ले। अब हम इनके साथ दो पेच खेलेंगे। सबको अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग से जुड़े सभी सस्पेक्ट्स हेमंत जाधव, हर्षवर्धन राणा और सुषमा खंडेलवाल से कड़ी पूछताछ की गई। सबको इंटेरोगेट किया गया ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार क्या दाव पेच खेला जा रहा था, और साथ ही अनुराग खंडेलवाल की खोज भी जारी। अनुराग खंडेलवाल की गाड़ी जो अब तक मिली नहीं थी, उसको ट्रेस करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया। और इस केस का चौथा एंगल, निधि वैद्या को भी अनदेखा नहीं किया जा रहा था।
उसकी भी लगातार जांच जारी रखी गई। निधि वैद्य की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, ये पता करने के लिए कि क्या अनुराग की किडनैपिंग में निधि का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अनुराग खंडेलवाल का गायब होना एक सोची समझी साजिश थी, हर कदम फूक फूक कर रखा गया था, और सुनीता राणा के मर्डर से इसका क्या संबंध था इसका भी खुलासा होने वाला था। रवि पाठक, आपका बेटा और इस रवि पाठक की बेटी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपने जो चिट्ठियां रवि पाठक को लिखी और रवि पाठक ने जो चिट्ठियां आपको लिखी उनके बारे में हमें सब कुछ पता। अच्छा, तो अब आपको कुछ और मिल नहीं रहा है तो मेरा और रवि का कनेक्शन बिठा रहे और साबित करना चाहते कि हमारा अफेयर चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रफीक मैकेनिक हमारी कस्टडी में है। रफीक हमें सब सच बताने के लिए उतावला हो रहा है कि उसे कितने पैसे दिए गए थे ये झूठ बोलने के लिए कि किडनैपिंग वाली सुबह अनुराग उसके गैराज पर गया था। ठीक है, तो तोड़िए उसे और उगलवा लीजिए कि मैंने ही अपने पति की किडनैपिंग करवाई है। रवि पाठक कन्फेस कर चुका, हम उसका बयान उसी से लिखवा रहे हैं। उसने हमसे ये भी कहा है कि वो उस औरत को भी पहचान लेगा जिसने हमारे खबरी को कॉल करके फिरौती की डिलीवरी की डिटेल से। क्या बकवास है, आप हेमंत यादव जैसे क्रिमिनल की बात मानकर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे और सुषमा के बीच में कुछ है? सुषमा मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। टेबल टेनिस मत खेलो हर्षवर्धन, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ और 6 में से एक भी गोली तुम्हें छू तक नहीं पाई, अब इसका क्या मतलब समझे? तो आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अपने आपको गोली मार लूं? पर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये हेमंत यादव आपको बहका रहा है, माहिर इस मामले में, वो मेरी बहन को ही बहकाया था उसने, और अगर सीसीटीवी तस्वीर में मैंने हेमंत यादव को पहचान भी लिया और आपको बताया कि हेमंत यादव है तो क्या गलत किया? उसे तो मैं कहीं भी पहचान सकता हूं। अब पुलिस वालों का मुझे स्टाइल पसंद आया, वो थाने में पहले जगदीश साहब और फिर एक लेडी ऑफिसर, यहां भी सेम। पूछो। मैं तुझसे अनुराग खंडेलवाल के बारे में पूछने नहीं आई हूं हेमंत। वाह मैडम, मैं भी पक गया है वो नाम सुन सुन के। कुछ और क्या पूछना है दूसरा? चल कुछ और बात करते। अब तो मुझे ये बता, जब सुनीता के साथ भाग गया था तो फिर उसे मारा क्यों? मन भर गया था तो छोड़ देता। मन भर गया था, सुपारी दी गई थी उसको मारने के लिए। किसने दी थी? उसके भाई हर्षवर्धन राणा ने। मैडम आपको तो पूरा क्लाइमैक्स मालूम है, फिर काय को इतना इंटरेस्ट ले रहे हो कहानी जानने में? भला हेमंत क्यों इन्वॉल्व था अनुराग के मामले में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर्षवर्धन फिरौती की डिलीवरी होनी ही नहीं थी क्योंकि अनुराग तो पहले ही मारा जा चुका था, वहीं चंदरपुर में जहां से डील का झांसा देकर उसे ट्रैप किया गया था। और आप ये चाहते कि मैं ये बात मान लूं कि मैंने ही अपने बिजनेस पार्टनर और अपने दोस्त अनुराग को ट्रैप किया और उसे मरवा डाला? जब मैंने ये किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं? तू यहां कैसे? यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू यहां क्या कर रहा है। मैं अनुराग को क्यों मरवाऊंगा? पैसों के लिए? वो पैसे जो मेरे कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि अनुराग के जाने के बाद वो सुषमा को मिलता, उसमें मेरा क्या फायदा होता? आपने तो सब कुछ चेक किया है ना सर, मेरी फर्म की फाइनेंसिस चेक की है, मेरे क्लाइंट से बात की है, इतनी मेहनत करने के बाद आपको कुछ मिला मेरे खिलाफ? कुछ भी, क्योंकि कुछ है नहीं तो क्या मिलेगा? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं मुझे सुषमा पर शक है, मैं तो अभी भी हैरान हूं, ये क्या दाव पेच है जो अभी तक सामने नहीं आया? और रवि पाठक एक बार फिर से बताओ जो तुमने हमें अभी बताया, बताओ कैसे तुम दोनों ने ये सारी प्लानिंग की और फिर आपने इस प्लानिंग में कैसे रफीक मैकेनिक को शामिल किया? आपने मुझे यहाँ 5 घंटे से बैठा रखा और आप कुछ भी बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुषमा तुम इनकी बातों का यकीन मत करना, ये सब बेफिजूल की बातें कर रहे, और ये रफीक कौन? बस बहुत हो गया, अब बस कीजिए। आप एक ऐसे इंसान को इसमें घसीट रहे जिसकी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, आपके शक के चक्कर में इसका घर बर्बाद हो जाएगा। रवि और मैं दोस्त है, हाँ हम चैट मैसेजेस पे बातें करते थे, बस उतना ही था। फिर मैसेजिंग बंद करके चिट्ठी भेजी क्योंकि मुझे पता था कि आपके लोग हमें ट्रैक कर रहे होंगे। आपने फोन भी टैप करवाया लेकिन उससे कुछ मिला आपको? नहीं ना, आप बेवजह ही इसके और इसकी बीवी के बीच में शक का बीज बो रहे हैं। 11 दिन बीत चुके और आप लोग अनुराग को ढूंढ नहीं पाए, और आपने सिर्फ इतना किया कि घूम फिर कर मुझ तक आते रहे, मुझ पे ही शक करते रहे। मिला कुछ? मिला नहीं ना। और रही बात उस औरत की जिसने फोन करके खबरी को खबर दी, तो एक आखिरी बार बोल रही हूं, वो मैं नहीं थी और ना मैं जानती हूं कि वो कौन थी।
हाँ नरेश, कुछ मिला क्या? हाँ सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पार्किंग में खड़ी मिली हमें ये गाड़ी। कहाँ मिली? भोपाल में? हाँ सर। सर आपने मुझे गाड़ी का कलर ब्लैक बताया था, लेकिन ये गाड़ी यहाँ सफेद रंग में रंगी हुई है। इसीलिए हमें किसी सीसीटीवी फुटेज में ये गाड़ी नहीं मिली। सर गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए गए, लेकिन चेसिस नंबर वही है। मुझे पूरा यकीन है ये गाड़ी अनुराग खंडेलवाल की ही है। नरेश, गाड़ी को तुरंत कस्टडी में ले लो। ओके सर। अनुराग की गाड़ी बरामद हो गई है। और अनुराग मिला? गाड़ी के अंदर तो नहीं मिला। अब गाड़ी चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर कुछ हुआ था या नहीं। अनुराग की गाड़ी मिल चुकी थी और अब इस गाड़ी के जरिए अनुराग किडनैपिंग केस से जुड़ी एक अहम कड़ी सामने आने वाली थी। हालांकि गाड़ी की बखूबी सफाई की गई थी, लेकिन कुछ अवशेष गाड़ी में रह गए थे जो साजिश और साजिश करने वालों को बेनकाब करने वाले थे। और यह पता चलने वाला था कि उस गाड़ी में अनुराग के अलावा एक औरत भी थी। शैलेश, पिछली सीट पर कुछ स्मेल, किसी परफ्यूम या इत्र लूंगा एक बार। हाँ सर, खुशबू है, तुरंत फोरेंसिक को बुलाओ। सर, ये हेमंत जाधव एक अलग ही कहानी सुना रहा है सुनीता राणा के मर्डर की। मैं सनकी नहीं हूँ साहब, और ना ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बस सब लोग ने मुझे ऐसा बना दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सफाई मत दे, बयान दे। बयान मैंने दिया था साहब, लेकिन किसने सुना नहीं। अबे टाइम वेस्ट मत कर, दिमाग पहले से खराब है और खराब मत कर, ठुकाई कर दूंगा तेरी। सोचिए साहब, एक आदमी का दिमाग खराब नहीं होगा जब जाने अनजाने में वो एक मासूम लड़की से प्यार कर बैठा, एक ऐसी लड़की जो उसके औकात और उसके समाज के स्तर से ऊपर हो। प्यार एक तरफा नहीं था साहब, मैंने कोई साजिश नहीं की थी, किसी को नहीं फंसाया, पहल सुनीता ने ही की थी। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती, मुझे पता था जो फर्क उसके और मेरे बीच में है वो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन जैसे सुनीता अपने आप को नहीं रोक पाई, ठीक वैसे ही मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारे बीच कब प्यार एक अलग मोड़ पर चला गया हमें खुद पता नहीं चला। प्यार करते वक्त कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमारा रिश्ता एक नौकर और मालिक का है। बस सब यहीं पे मैंने गलती कर दी कि मैं भूल गया कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। अरे उसकी औकात नहीं तुम्हारे सामने आग भी उठाकर देखे, और तेरा शादी के सपने देख रहा है वो। हर्ष, तुम उस हेमंत को ना आज ही नौकरी से निकाल दो, और तुम्हारा आज से कॉलेज जाना बंद। पढ़ाई छोड़ के काफी सारी चीजों पर ध्यान है ना तुम्हारा। भाभी वो अच्छा इंसान है, और ऐसे कैसे आप उसकी औकात के बारे में बात कर रहे हैं भैया? मुझे औकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता ये बातें किताबों में अच्छी लगती है बस, असल जिंदगी में नहीं। क्या मैं दिखाऊंगा मैं समाज को? वो जहाँ पैदा हुआ है ना वहीं सड़ेगा, लेकिन तुम्हें जानबूझकर इस गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा मैं। ऐसी बात नहीं है भैया, वो मेहनत करके एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। उसे कुछ करने लायक छोड़ूंगा तब ना कुछ करेगा वो, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा अगर तूने ऐसा कुछ किया जिससे मेरी इज्जत का तमाशा बनेगा। नौकरी से तो निकाल दिया था साहब, लेकिन सुनीता को मेरे दिल से नहीं निकाल पाया, और ना ही मैं सुनीता को। हमने सोचा हम भाग के उज्जैन चले जाएंगे। ये सच है कि हमने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन सर हम भागे नहीं। तो फिर सच है कि सुनीता को कहाँ मारा? मैंने सुनीता को नहीं मारा साहब, मैं उससे प्यार करता था, हम लोग साथ में भागने वाले थे। मैं उसका इंतजार करता रहा बहुत देर तक, जहाँ मुझे मिलने का तय किया था उसके आने के समय होने के कई घंटे बाद तक मैं वहीं खड़ा रहा। सुनीता वहाँ आई नहीं साहब, और मुझे शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत ना हुआ। इसलिए साहब मैं डर गया, इसलिए मैं उज्जैन भाग गया साहब। मुझे तेरी इस कहानी पे यकीन नहीं हो रहा। कहानी नहीं, यही सच है। आपको इंस्पेक्टर जगदीश ने सुनीता का लेटर दिखाया होगा जो उसने उसके घर पे लिखकर छोड़ा था। हाँ, दिखाया था। तो याद कीजिए उसमें क्या लिखा था। भैया भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं और हेमंत यहाँ से जा रहे हैं। मैं आप लोग जैसे तकियानुसी ख्यालातों की नहीं हूँ। मैं और हेमंत शादी करके अपनी दुनिया कहीं दूर बसा लेंगे। उम्मीद है आप हमारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। सुनीता। हमें ये चिट्ठी हर्षवर्धन के घर से मिली,
हैंडराइटिंग को भी मैच करवाया जो सुनीता के हैंडराइटिंग से मैच हुई। हाँ पढ़ा था तो क्या उस चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि वो उज्जैन मेरे साथ भागने वाली है? नहीं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। यही तो बात है ना सर, ठीक दो दिन के बाद मुझे उज्जैन में पकड़ा गया। ना सुनीता ने चिट्ठी में ऐसा लिखा था, ना मैं किसी को बता कर गया था। फिर उन्हें कैसे मालूम कि मैं उज्जैन में मिलूंगा? साहब यही बात मैंने जगदीश सेठी को कही थी। हेमंत तू फिर से जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, और दिमाग खराब मत कर। हर्षवर्धन राणा ने ही अपनी बहन को मार डाला है साहब। इसके पहले कि सुनीता निकल पाती मारी गई बेचारी। यही सच है साहब, आप जो यहाँ अनुराग खंडेलवाल के केस में ढूंढ रहे हो उसके तय में भी आपको हर्षवर्धन राणा ही मिलेगा। आपको लगता है साहब मैं शातिर हूँ, लेकिन हम सबसे कहीं ज़्यादा शातिर ये हर्षवर्धन राणा है साहब। क्योंकि उसे पता था कि सुनीता की बॉडी पुख्ता तौर पर क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि सुनीता उसकी सगी बहन थी नहीं। जो बॉडी मिली वो सुनीता की थी नहीं, और ये अनुराग खंडेलवाल की बॉडी भी आपको नहीं मिलेगी। ये हर्षवर्धन राणा आराम से गायब करवाता है। इस हेमंत यादव का कोई भरोसा नहीं किस बार सच बोल रहा है। हर बार जब भी पूछते हैं कोई नई कहानी सुना देता है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है। लेकिन झूठ बोल रहा है इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है सर, क्या पता सच बोल रहा हो। हम इतनी अंधी गलियों में दौड़े हैं, एक और सही। एक काम करते हैं सर, ये हर्षवर्धन को उठाते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहानी सुनाता है। पर किसे किसे तोड़े और कहाँ तोड़े, सबकी अपनी अपनी कहानी, पता नहीं इस केस का क्रैक कहाँ है। हाँ दीवा अब तुम्ही कोई एंगल दे दो, हम इस केस में बुरी तरह से फंसे हुए। एंगल या तोड़ का तो पता नहीं इंस्पेक्टर, पर गाड़ी को बहुत अच्छे से स्कैन किया और आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, उस गाड़ी में कोई एक औरत भी थी। ऐसा क्या मिला गाड़ी में दिवाकर? एक कान की बाली मिली है, और आई थिंक इसका एक पैर अभी भी उस औरत के पास होगा। सर ये इयररिंग सुषमा का भी हो सकता है जो कभी गाड़ी में गिर गया। सर लेकिन ये निधि का भी हो सकता है, शायद कभी अनुराग की गाड़ी में गई हो और उसका इयररिंग गिर गया हो। हो सकता है इयररिंग हमारे लिए कोई सुराग हो ही ना, लेकिन फिर भी पता करते इयररिंग आखिर है किसका। किशन खबरी से कहो कि इस इयररिंग की तस्वीर अपने पूरे नेटवर्क में बांट दे, और पता करे कि इयररिंग खरीदा कहां से गया। नहीं ये मेरा नहीं है। नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग की किडनैपिंग को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अनुराग की अब तक कोई खबर नहीं आई। अनुराग से जुड़े सभी लोगों में अब उदासी छा रही थी, लेकिन उसके गायब होने के पीछे का सच अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। अच्छा सुनो, अनुराग खंडेलवाल आता ही होगा, तुम लोग तैयार हो जाओ। ये नंबर आज इसको बुलाने का है? नहीं बस फोन कर और बोल के अनुराग खंडेलवाल का किडनैपिंग हुआ, कल सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर पर फिरौती डिलीवर होने वाला है। अबे साले कहाँ फंसा रहा है मुझे, मेरे से नहीं होगा ये सब। और सवाल जवाब करेगा तो मैं क्या बोलूंगी? तू बस फोन कर, आज रात के तुझे 2000 रुपए दूंगा, खाली तुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का इस नंबर। और कोई ज्यादा सवाल जवाब करे ना तो तू अपनी बात बोल और फोन काट, क्या मुश्किल है इसमें। देवेंदर हाँ ये ले, एक काम कर गाड़ी ले जा, थोड़ा घुमा फिरा, फिर छोड़ दे किसी पार्किंग में। पर कब तक घुमाऊंगा? ज्यादा नहीं रे, 1-2 दिन। ओके बस हर्ष, क्या पुलिस ने तुम्हें बताया कि उन्हें अनुराग की गाड़ी से कोई इयररिंग मिली है? नहीं तो इन्फॉर्मर को फिरौती के रकम की डिलीवरी की खबर किसने दी होगी? शायद वही जिसने कहानी बनाई। अनुराग ने डील वाली बात मुझे बताने से मना किया। हर वो अपराधी जो अपराध की कहानी बुनता है अक्सर उससे एक चूक हो जाती है,
वो ये भूल जाता है कि कोई भी जुर्म की कहानी सफल कहानी नहीं होती। कार में इयररिंग का मिलना उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं, और वही इयररिंग इस केस को क्रैक करने में मददगार साबित हुई। पूरे शहर के हर छोटे बड़े ज्वेलरी शॉप की इंटेंस सर्च के बाद एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई जो इस केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुआ। हाँ बिल्कुल यही वाला था। उस लेडीज के पास ऐसा ही एक दूसरा भी था। उसने कहा था उसका एक खो गया है तो बिल्कुल ऐसा ही दूसरा बना दो। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए डिट्टो। हाँ साहब ये लो खोल लाया आपके खेल की मिसिंग खिलाड़ी। हो ना यार बिल्कुल ऐसा ही चाहिए डिट्टो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए डिट्टो। ये मेरा फेवरेट इयररिंग था। साहब इस लेडीज का नाम कंचन है। साहब ये धंधा करती है लाल बत्ती पे 12/23 में रहती है और वहीं से कोठा चलाती है। साहब उठाओ इस कंचन को देखते हैं क्या कहानी है इस कंचन की। अरे साहब ये कहाँ मिला आपको? ये तो मेरा फेवरेट इयररिंग है। कुछ दिन पहले ही खो गया था। क्या बात है साहब बिना कंप्लेंट के ही आपने ढूंढ निकाला? इस गाड़ी के अंदर से मिला। गाड़ी के पिछले हिस्से में कहीं दबा हुआ था। इस आदमी की गाड़ी है इसे जानती हो? ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। अनुराग खंडेलवाल। क्या हुआ तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया? बस फोन कर और बोल के अनुराग खंडेलवाल का किडनैपिंग। अनुराग खंडेलवाल 19 अगस्त को किडनैप हुआ था। 15 दिन हो गए अभी तक कुछ आता पता नहीं कि कहाँ है। और तुम्हारी शक्ल से साफ पता चलता है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। अबे साले 2 फीट की जगह में चालू हो जाता है ना तू। रूम जाने का भी वेट नहीं किया। अब निकलते हैं इससे पहले हवलदार आ जाए। तेरा तो पता नहीं मुझसे दुगनी वसूली करेगा वो। सब आप ये जो आदमी बोल रहे हैं ना जिसकी गाड़ी में मेरा इयररिंग मिला अनुराग खंडेलवाल। सब मैं इसे नहीं जानती। तो किसको जानती जल्दी बता वरना किडनैपिंग गाड़ी चोरी और मर्डर का केस तुझ पे लगा दूंगी। नहीं नहीं मैडम मैं कुछ नहीं जानती। आप देवेंद्र को पूछो वो ही मेरे पास आया था और उसने मुझे बोला था कि मैं ये फ़ोन कॉल करूं और बोलूं कि इस आदमी का किडनैप हुआ है और फिरौती के पैसे ना दिए जाने वाले हैं। और मैडम ये गाड़ी भी देवेंद्र ही लाया था। वो उस दिन गाड़ी में ही चालू हो गया था तो इयररिंग भी तभी गिर गया होगा। इयररिंग के जरिए पुलिस कंचन तक पहुंची और कंचन के जरिए देवेंद्र कुमार नाम के हिस्ट्री शीटर तक। और इस हिस्ट्री शीटर देवेंद्र कुमार के जरिए उसके जोड़ीदार हिस्ट्री शीटर जितेंद्र राजपूत तक। और इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स के जरिए ही पुलिस इनके आका बाला पाटीदार तक पहुंची। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ी और सब के सब उठा लिए गए। देवेंद्र बाला जितेंद्र तुम तीनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो कि पहले थोड़ी धुलाई करें या सीधा बोलोगे क्योंकि बोलना तो है ही। सब मैंने बस सेटिंग की है सब 2 महीने से। इन दोनों को भी साथ में लिया खाली धमकाने के लिए। सेटिंग वर्सेस जमीन की सेटिंग। हाँ सर अनुराग सेठ को झांसे में लेने का प्लानिंग किया हम लोगों ने। उसको बताया कि ये जमीन है इतना दाम है इतना बढ़ेगा बड़े बड़े प्लान बताए। बोला इधर से बाईपास जाएगा वगैरह वगैरह। तो मतलब कोई जमीन थी नहीं इस कहानी में। किडनैपिंग कहाँ की इसलिए की और तुम लोगों की सेटिंग का मास्टरमाइंड कौन है? किडनैपिंग तो किया ही नहीं साहब। किडनैपिंग तो किया ही नहीं तो सब प्लान चेंज हो गया। सेटिंग करके किडनैपिंग का ही प्लान था लास्ट मिनट में चेंज हो गया और ऑन द स्पॉट मर्डर करना था। अनुराग खंडेलवाल का? हाँ सर। लेकिन साहब हमने मर्डर नहीं किया साहब। साहब हम सच कह रहे हैं। साहब हमने भी मर्डर नहीं किया। मैंने भी नहीं किया साहब। तो किसने किया? किसने किया? रेश गाड़ी छुपाते से पहले अनुराग आए। क्या हुआ मतलब प्लान कैंसिल किया? नहीं नहीं कैंसिल नहीं हुआ बस थोड़ा चेंज हुआ है। अब हम किडनैप नहीं करेंगे सीधा मार डालेंगे।
क्या हो रहे सब? हाँ चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, खिलोगे तो ठोकोगे। हर्ष तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। पार्टनरशिप तोड़ के अपने पार्टनर को धोखा दे के खुद ही डील करने निकल पड़ा। ये डील हमारी जिंदगी बदल देगी, तुम देख लेना। बस ये बात तुम हर्षवर्धन को मत बता। इस डील के बारे में तुझे सुषमा ने बताया? ये डील तो तेरे लिए एक दाना थी, दरअसल कोई डील थी ही नहीं। लेकिन मुझे लगा मरने से पहले तुझे ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो तू चैन से मर तो जाएगा लेकिन मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। आग मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। वाला इसकी गाड़ी का हुलिया चेंज कर दे और किसी पार्किंग में छोड़ दे, लेकिन ध्यान रहे किसी की नजर ना पड़े। अनुराग खंडेलवाल का डेड बॉडी हर्षवर्धन से अपने साथ ले गया। हर्षवर्धन अनुराग की बॉडी कहाँ लेकर गया? सर अनुराग को पता चला क्या? आप लोगों ने अर्जेंटली बुलाया मुझे। भोजपुर, भोजपुर वाला गोडाउन। कहाँ है? उस पेटी में। इसके टुकड़े टुकड़े कर दी और हमारे साथ दो पेच खेलता रहा, हमारे सामने अनुराग की फिक्र करने का झूठा नाटक करता रहा। क्या हुआ साहब? छुट्टी हो गई मेरी, आजाद हो गया मैं। आए मन, तुम जा सकते हो। लगता है अनुराग खंडेलवाल की बॉडी मिल गई। हाँ मिल गई और टुकड़ों में मिली। जैसा कि तुमने कहा था, इस सब के पीछे हर्षवर्धन ही। उस वक्त हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, नहीं तो ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता। तूने किया ना टुकड़े? वो मुझे धोखा दे रहा था। कैसा धोखा? वो मेरे बिना अपना धंधा शुरू करना चाहता था। तो मुझे बिना बताए वो मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था। खतरा बन रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुराग खुद का काम शुरू करना चाहता था। खुद ही इल्जाम लगाया, खुद ही मुजरिम करा दिया, खुद ही सजा भी सुना दी। तुम गलत नहीं हो हेमंत, तुम सच कह रहे थे। और सुनीता? तुम यहां भी सही थे। सुनीता तुम्हारे साथ भागने के लिए कभी घर से निकल ही नहीं पाई थी। सुनीता को हर्षवर्धन ने मारा। तो सोचा होगा मैं आज रात घर ही नहीं आऊंगा, मालती की मम्मी पापा के यहाँ रुक जाऊंगा, और तुमने भागने का प्लान बना लिया। वाह, बहुत होशियारी से सही समय का इंतजार किया तुमने। भैया प्लीज प्लीज मुझे हेमंत के साथ जाने दो, मैं इसके बाद से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी भैया। और अगर आज मैंने तुम्हें रोक भी लिया तो क्या गारंटी कि तुम फिर से भागने की कोशिश नहीं करोगे? प्लीज मुझे जाने दो,
हेमंत मेरा इंतजार कर रहा है भैया। नहीं सुनीता, उस दो कौड़ी के ड्राइवर के लिए मैं तुम्हें मेरे आत्मसम्मान के साथ खेलने नहीं दूंगा। क्या करूं मैं? थैंक यू सुनीता, थैंक यू। तुमने अपने भाई को बचा लिया। बैठ, रुक। क्या हो गया? गौतम साला समझता क्या है अपने आप? औकात क्या है उसकी? 15% चाहिए साले को, 15%। 15 टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को डाल दूंगा मैं उसके। इतनी मत पिया कर यार, चढ़ जाती है तुझे। बैकी बैकी बातें करता है, चल। क्या बैकी बैकी बातें? तुझे क्या लगता है मैं मार नहीं सकता उसको? काट नहीं सकता मैं? तू काट सकता है बाबा। नहीं, तू नहीं समझ रहा अनुराग। मैं समझ, तू काट सकता है, लेकिन मेरा ना सर दर्द कर रहा है अभी। घर चलते हैं, ऑफिस में कल के बात करेंगे। चल घर चल। अरे रुक यार, तुझे मालूम है अनुराग, मेरी बहन सुनीता ने भी ऐसे किया था। अरे मेरे पीठ पीछे खंजर फूका था उसने, मेरी लाडली बहन थी। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। काट डाला था उसका मैंने, गौतम को भी काट डालूंगा। समझ रहा है ना तू? बस गाड़ी चला। हर्ष, तूने सच में अपनी बहन को मार डाला? अरे तू नशे में जरूर था, लेकिन कई बार लोगों की सच्चाई बाहर आ जाती है नशे में। अरे यार, कल रात मैं कुछ बोल गया, भूल जा, नशे में था, तू भी जानता है। अरे मर्डर तूने किया अपनी बहन का, और बिल फाड़ दिया उस गरीब ड्राइवर पे। तेरा ड्राइवर हेमंत सुनीता के मर्डर केस में अंदर है वो। अनुराग, अब तू उस 2% के ड्राइवर के लिए मेरी क्वेश्चनिंग करेगा? तेरी बहन की मौत पे तेरे साथ आंसू बहाया था, तुझे टूटते हुए देखा, झूठ था, नाटक था, नशे में था, कुछ बड़बड़ा गया। सीरियसली क्यों ले रहा है? भूल जा इस बात को। क्या ऐसे क्या देख रहा है? बोला ना, आप क्या ब्लैकमेल करेगा क्या मुझे यार? अनुराग, अनुराग मुझसे सिर्फ बिजनेस में अलग नहीं होना चाह रहा था, बल्कि सारे रिश्ते भी खत्म करना चाहता था। और सुनीता, उसकी बॉडी को कहां ठिकाने लगा है? बोल हर्षवर्धन, सुनीता की बॉडी कहां है? नहीं बोलेगा? ब्लैक, खोल इसकी हथकड़ी। वाह वाह, पीछे। हाँ, बताओ। इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत ज्यादा है, पर यह जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है। लेकिन बुरी प्रवृत्ति वाले कई बार समझ के परे होते हैं। सुषमा खंडेलवाल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका पति अनुराग अपने पार्टनर हर्षवर्धन से अलग होने की सोच रहा था। अनुराग जिसे डील समझ रहा था, दरअसल वो उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। हर्षवर्धन की पत्नी और हर वो इंसान जो हर्षवर्धन को जानता था, उन्हें उसके अंदर छुपे उस हैवान का पता ही नहीं था। एकमात्र इंसान जो हर्षवर्धन के अंदर के इस हैवान को पहचानता था, वो हर्षवर्धन द्वारा ही की गई एक निर्मम हत्या के इल्जाम में दोषी बना हुआ था। हर्षवर्धन राणा पर अपनी बहन सुनीता राणा के मर्डर का चार्ज लगाया गया, जो उसने 4 साल पहले किया था, और उसे अपने पार्टनर अनुराग खंडेलवाल के मर्डर के लिए भी बुक किया गया, जो चंद रोज पहले किया गया था। इंसान का मन चंचल होता है, उसमें उथल पुथल होती रहती है। हमारे सोच विचार, हमारे इंटेंशंस सब हमारी चाहत के हिसाब से होते हैं। अपराध करने की चाह, उसकी भावना भी हमारे दिमाग में ही पनपती है, और हर अपराधी को
उस अपराध के विचार पर कदम उठाने की सजा भुगतनी ही पड़ती है, फिर चाहे अपराध जो भी हो जैसा भी हो। लेकिन इंसानियत क्या है? इंसानियत है बुरे और आपराधिक विचारों को दबाकर अच्छे विचारों को आगे लाना और उस पर अमल करना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।